जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट सीरीज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे ताकि कम से कम समय में हमारा अधिक से अधिक रिविजन हो सके। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, कुल्लू घाटी स्थित है। तो दोस्तों, कुल्लू घाटी की यदि बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व का सबसे छोटा उपनिवेश देश कौन सा है। तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिब्राल्टर जो है विश्व का सबसे छोटा उपनिवेश देश है। क्वेश्चन नंबर 3, जनसंख्या में सर्वाधिक बड़ा देश कौन सा है। तो दोस्तों, चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह है। तो दोस्तों, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वरुण ग्रह। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है। प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 6 है, तुर्की की राजधानी कहां है। तो दोस्तों, तुर्की की राजधानी अंकारा में होगी। तो ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, नर्मदा नदी किस घाटी से गुजरती है। तो दोस्तों, रिप्ट घाटी याद रखेंगे, रिप्ट घाटी से होकर नर्मदा नदी गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है। तो दोस्तों, सिलिकॉन प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, ऑप्शन सी, चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्षेत्रफल में विश्व में सबसे छोटा देश कौन सा है। तो दोस्तों, वेटिकन सिटी विश्व में सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन 11 देखेंगे, राजस्थान नहर निकलती है। तो दोस्तों, राजस्थान नहर कहां से निकलती है, सतलज नदी से। क्वेश्चन 12, ज्वालामुखी का मुख क्या कहलाता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, ज्वालामुखी का जो मुख होता है वो क्रेटर कहलाता है। क्वेश्चन 13, पिग्मी निवासी है। तो दोस्तों, पिग्मी जो है कांगो बेसिन के निवासी है। सीधे प्रश्न सीधे उत्तर, कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हमारा लक्ष्य है। क्वेश्चन 14 देखेंगे, पेपुआ जनजाति का निवास क्षेत्र कहां है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन डी, न्यू गिनी। न्यू गिनी प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहां पर जो है पेपुआ जनजाति का निवास क्षेत्र है। क्वेश्चन 15, पृथ्वी का ऊपरी सतह क्या कहलाती है। तो दोस्तों, पृथ्वी की ऊपरी सतह क्रस्ट कहलाती है। क्वेश्चन 16, पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, ओसाका याद रखिएगा, ऑप्शन ए, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, गोबी मरुस्थल कहां स्थित है। तो दोस्तों, मंगोलिया जो है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। तो ऑप्शन बी प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। तो दोस्तों, व्हाइट पर्वत अमेरिका में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 20 है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट नाम है। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेट इंडियन डिजर्ट थार मरुस्थल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेज़न। क्वेश्चन 22 देखेंगे, सर्वाधिक लवणीय सागर कौन सा है। तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मृत सागर सर्वाधिक लवणीय सागर है। क्वेश्चन 23 है, कबीरा बांध किस नदी पर बना है। तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोम्बेजी नदी पर। याद रखिएगा, जो कबीरा बांध है ये जोम्बेजी नदी पर बना हुआ है। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि जो कबीरा बांध है ये किस देश में स्थित है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अंध महासागर किस महासागर को कहा जाता है। तो दोस्तों, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हम्बोल्ट व पेरुबियन किस महासागर की जलधारा है। तो दोस्तों, प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन 27 है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है।
तो दोस्तों शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित ग्रह कौन से है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुध एवं शुक्र जो है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित ग्रह है। क्वेश्चन 29, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो दोस्तों ओजोन मंडल प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 30 है, कांडला बंदरगाह कहां स्थित है? तो दोस्तों कांडला बंदरगाह की यदि बात की जाए तो ये गुजरात में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। चलिए क्वेश्चन 31, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 2021 की जो है दोस्तों ये प्रश्न है, 2021 के तहत जो हमें इसे बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। ठीक है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। क्वेश्चन 32, गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों नर्मदा नदी गुजरात की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन 33 देखेंगे, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 घंटे की। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, सहारा मरुस्थल कहां स्थित है? तो दोस्तों उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है। तो दोस्तों ज्योग्राफी से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। तो दोस्तों बीएस नेगी की जो प्रैक्टिस सेट बुक है उसमें ये लास्ट जो है हमने प्रैक्टिस सेट आज किया है। इसके बाद हम आगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का जो सामान्य अध्ययन का जो दोस्तों प्रैक्टिस सेट सीरीज है वो लूसेंट बुक से कवर करेंगे। लूसेंट बुक को अगले आगामी 40 से 45 दिनों में कंप्लीट करने का हमारा लक्ष्य है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस